हाँ जी बेटा, लेट अस स्टार्ट टुडे अगेन द चैप्टर वी हैव टू स्टार्ट दैट इंटीग्रेशन. ओके, एंड द टॉपिक मेरे पास जो है टॉपिक दैट इज हमने बाय पार्ट स्टार्ट किया हुआ है एक्सरसाइज 7.6. ओके, 7.6 का बाय पार्ट्स के क्वेश्चन हमने कल स्टार्ट किए. और येस्टरडे आई हैव टोल्ड यू कि जब भी दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो और उसकी इंटीग्रेशन करनी हो तो हम कैसे करते हैं. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटेग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटेग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. ये डैश का मतलब ही डेरिवेटिव इनटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड. ओके, क्लियर. तो अब मेरे पास जो है यहाँ पर हम क्वेश्चंस ही करेंगे. हमने कल फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था x इंटू साइन x का. मैं सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करने लगी हूँ, दैट इज इंटेग्रल x साइन 3x dx. ओके, और हमने बताया था आई लेट के हिसाब से हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को सिलेक्ट करते हैं. अलजेब्रिक इज देखिए फिर ट्रिग्नोमेट्री, एक अलजेब्रिक है एक ट्रिग्नोमेट्री है. तो मेरे पास ये फर्स्ट और ये मेरे पास सेकंड. ओके, तो क्या हमारे पास आएगा यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटेग्रल ऑफ सेकंड. ओके, अब साइन 3x का इंटेग्रल होता है माइनस कॉस 3x बाय 3. ओके, माइनस इंटेग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x का इंटेग्रल 1 इंटू मेरे पास वो है माइनस कॉस 3x बाय 3 dx. ओके, तो माइनस x बाय 3 कॉस 3x, ये माइनस माइनस प्लस इंटेग्रल कॉस 3x बाय 3 dx. ओके, और ये 3 को हम क्या ले सकते हैं, बाहर भी ले सकते हैं, तो इसको छोड़ देते हैं. अब माइनस एक्स बाय थ्री कॉस थ्री एक्स और प्लस वन बाय टू वन बाय थ्री. अब इंटेग्रल कॉस थ्री एक्स, कॉस का इंटेग्रल साइन एक्स होता है मेरे पास, तो साइन थ्री एक्स और एक्स के आगे थ्री है कोफिशिएंट, तो थ्री से डिवाइड प्लस सी. जैसे ही सारी इंटीग्रेशन खत्म हो जाती है कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो लग जाती है. ओके बेटा जी, बात क्लियर हो गई सबको, कोई डाउट तो नहीं यहां तक. चलें बेटा आगे, चलिए लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, एक और मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले एक और इसी पर बेस्ड बता दूं. जब कई बार दो फंक्शंस का प्रोडक्ट होता है और उसमें जैसे ई पावर एक्स आ जाए और उसके साथ दो फंक्शंस हैं, वो कैसे है कि एक फंक्शन है और साथ में उसका डेरिवेटिव है, ऐसे ऐसा फॉर्म कभी भी इंटीग्रेशन में आता है. ई पावर एक्स आता है तो हमें देखना पड़ता है, उससे सीधा डायरेक्ट शॉर्टकट है कि इसका आंसर ई पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी बन जाता है. अगर कभी भी फंक्शन ऐसे फॉर्म में है तो उसका सीधा हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं. ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो है थर्ड क्वेश्चन. अब इसमें क्या है, इंटेग्रल एक्स स्क्वायर मेरे पास हो गए ई पावर एक्स डीएक्स. अब देखिए फिर मेरे पास हो गए दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आ गया, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आ गया तो मुझे पता है बाय जो है पार्ट्स ही लगने हैं मेरे पास. ओके, बाय पार्ट्स लगने, तो अब मैंने देखना है फर्स्ट किसको सेकेंड. ई पावर एक्स एक्सपोनेंट फंक्शन है, वो हमेशा लास्ट ही होता है क्योंकि आई लेट के हिसाब से ई लास्ट में आता है तो वो लास्ट ही हो गया, तो 100% ये फर्स्ट ये सेकंड. ओके बेटा, तो अब मेरे पास क्या हुआ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटेग्रल ऑफ सेकंड. ई पावर एक्स का इंटेग्रल ई पावर एक्स माइनस इंटेग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 2x इनटू ई पावर एक्स डीएक्स. अब देखो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन एक ही बार इंटेग्रल लगा काम खत्म, दो बार भी बाय पार्ट्स लग सकते हैं. अब यहां पर फिर दो फंक्शंस का क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया, तो मैं क्या करूंगी यहां पर जो गए मेरे पास वो है एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस टू कॉमन
और एक्स ई पावर एक्स डी एक्स, अब वो बाय पार्ट्स जो है फिर लगाएंगे, ये माइनस टू कॉमन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटेग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटेग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एक्स का डेरिवेटिव वन, तो ई पावर एक्स डी एक्स। ओके बेटा, अब मेरे पास हो गए यहां पर, क्या लगेगा नेक्स्ट स्टेप में, व्हाट आई विल डू, देखिए अगेन आई कैन रीराइट एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस टू, एक्स ई पावर एक्स माइनस माइनस प्लस, ओके क्योंकि माइनस प्लस टू इंटेग्रल ई पावर एक्स डी एक्स, और मेरे पास जो है एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस टू एक्स ई पावर एक्स प्लस टू ई पावर एक्स प्लस, ओके जी क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को भी, एनी प्रॉब्लम टू एनी वन, हाँ जी कोई रिस्पॉन्स, बेटा रिस्पॉन्स तो दिया करो, चले आगे, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हमारे पास जो ऐसे ही हैं बाय पार्ट्स के, है ना। अब फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, अब बताइए किसको फर्स्ट लेंगे किसको सेकंड लेंगे, हु विल टेल मी, जस्ट रेज योर हैंड टू टेल मी, हाँ जी अपूर्व, अपूर्व कैन यू टेल मी, अपूर्व, हाँ जी प्रभनूर, प्रभनूर बेटा एक्स और लॉग एक्स दो फंक्शंस हैं, किसको हम फर्स्ट फंक्शन ले किसको सेकंड फंक्शन ले, हाँ जी प्रभनूर बताइए, लाउडली बोलिए प्रभनूर, आपकी साउंड नहीं पहुंच रही, ओके राणा यू टेल मी बेटा, आईलेट रूट के अकॉर्डिंग लॉग को पहले लेंगे एक्स को बाद में, बिल्कुल बेटा आई लेट के अकॉर्डिंग भी, आई एल ए टी ई, एल ए लॉग पहले अलजेब्रिक बाद में, तो ऑब्वियस है कि फर्स्ट इसको सेकंड इसको, तो मेरे पास जो है क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मेरे पास जो है इंटेग्रल ऑफ सेकंड, अब मैं जब इंटेग्रल लूंगी एक्स का दैट इज एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस इंटेग्रल, मेरे पास जो है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट लॉग एक्स का वन बाय एक्स इंटू इंटेग्रल एक्स स्क्वायर बाय टू डी एक्स, ओके एक एक्स से एक्स कट गया तो एक्स स्क्वायर बाय टू लॉग एक्स माइनस वन बाय टू एक्स का इंटेग्रल एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी जो है एक्स स्क्वायर बाय टू लॉग एक्स माइनस वन बाय फोर एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब ये जो है एलसीएम लेना कॉमन लेना है एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, अदरवाइज लीव द आंसर क्या, ओके बेटा जी क्लियर, कोई डाउट तो नहीं किसी को भी बेटा, चले आगे चलिए। अब ऐसे ही मेरे पास सिक्स सेवेंथ एट नाइन्थ टेंथ सारे क्वेश्चन ऐसे भी, अच्छा एक इनवर्स वाला कर देते हैं फिर टेंथ क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी, ओके लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर जो है नाइन्थ ही कर लेते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है, ठीक है देखिए क्वेश्चन नंबर जो है नाइन्थ, नाइन्थ क्वेश्चन में एक्स कॉज इनवर्स एक्स डी एक्स, अब देखिए एक इनवर्स है एक अलजेब्रिक है, आई लेट के हिसाब से ये फर्स्ट हो गया ये सेकंड हो गया, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटेग्रल ऑफ मेरे पास जो है सेकंड, तो क्या इंटेग्रल होगा मेरे पास एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस इंटेग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, कॉज इनवर्स का डेरिवेटिव, हाँ जी बेटा कॉज इनवर्स का डेरिवेटिव, हाँ जी किसी को नहीं पता, जस्ट रेज योर हैंड टू टेल मी What is the derivative of cos inverse? Yes, Sukhman. हाँ जी बेटा Yes, Sukhman. बताइए बेटा Sukhman, unmute yourself, बेटा
चलिए कनुबा माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर. बिल्कुल बेटा बिल्कुल करेक्ट है. जो है मेरे पास माइनस वन बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाय टू डी एक्स. अब ऐसे बन गया ना. अब देखिए जरा मेरे पास ये चलो एक्स स्क्वायर बाय टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस माइनस प्लस और मेरे पास जो है एक्स स्क्वायर ये टू भी बाहर कांस्टेंट को बाहर ले लिया कर. अब देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करें. एडजस्टमेंट उसके लिए क्या करेंगे. जो नीचे टर्म होती है ना वही ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं. मेरे पास वन माइनस एक्स स्क्वायर है ना बेटा है ना यहाँ पर तो मैं क्या करूं मेरे पास दैट इज मैं माइनस से मल्टीप्लाई माइनस से बाहर मल्टीप्लाई कर दूं. ओके वन ऐड कर दूं यहां वन ऐड किया बेसिकली और ये वन सब्ट्रैक्ट कर दूं. बिल्कुल जो नीचे वैसे ही एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर. ओके अब मैं आपके बताती हूँ एक्स स्क्वायर बाय टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस वन बाय टू. बेटा जब मैं इस पूरी के साथ इसको आगे ब्रेक करूंगी ओके तो मेरे पास अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा क्योंकि ऊपर है वन माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे है अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर. चाहे आप रैशनलाइज करके देखो ओके डी एक्स. अब बाहर है माइनस वन बाय टू मैं माइनस वन बाय टू. ये बच्चे गलती करते हैं कि ये लगाना आगे भूल जाते हैं और यहाँ पर क्या बचा मेरे पास माइनस वन. ये प्लस कर देती हूँ वन ओवर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. अभी इसका फॉर्मूला हमने कराया नहीं इसका हमें पता. ये तो हमने किया ना अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसका अभी हमने नहीं किया तो अगली बार कराएंगे तो ऐसे एडजस्टमेंट हम ऐसे भी कर सकते हैं. अच्छा कई बच्चे कहते हैं कि मैम ये वाला पार्ट डिलीटेड है इसका रिड्यूस्ड दिस फॉर्म इज डिलीटेड. आपको इसके डायरेक्ट फॉर्मूले बेटा करने ही करने हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में डायरेक्ट आते हैं. अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है मैं यहाँ ही आपको बता देती हूँ कि मेरे पास जो है फॉर्मूला क्या होता है. यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए डी एक्स. अगली एक्सरसाइज वैसे डिलीट ही ना बट ये फॉर्मूला डायरेक्ट जहां इंप्लीमेंट होता है ना वो आपने करना ही करना है. ओके दैट इज इक्वल टू एक्स बाय टू जो है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स मेरे पास जो है एक्स बाय ए प्लस सी. ओके क्लियर. कोई डाउट तो नहीं यहां तक समझ आ गई बेटा. तो ऐसे एडजस्टमेंट और भी मेथड है इसको करने के डिपेंड करता है आपको उस टाइम पे कौन सा समझ आपके दिमाग में क्या है. मुझे हमेशा यही याद रखा हुआ है अगर सेम सेम वाला हो और नीचे अंडर रूट हो तो जो नीचे है वो ऊपर एडजस्ट करो और फिर सेपरेट कर दो बस अपने आप मेरा इंटीग्रेशन हो जाता. क्लियर बेटा समझ आ गई सबको. ठीक है चलिए अब नेक्स्ट मेरे पास जो है इसी पर बेस्ड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन. ठीक है लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 10th. ये सारे क्वेश्चंस बेटा जहां डबल डबल आगे लगता है ना बेटा वहां पर बेटा 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो आते ही आते हैं. ओके तो अब हम जो है एक्सरसाइज 7.6 का जो है क्वेश्चन नंबर 10th करने लगे. इसको भी करने के बहुत सारे मेथड हैं. आप सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो आप बाय पार्ट्स लगा सकते हो आप दोनों मेथड लगा सकते हो. ठीक है तो देखते हैं कि हमारे माइंड में क्या आता है इस क्वेश्चन के रिलेटेड. क्वेश्चन नंबर 10th मेरे पास जो है साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर डीएक्स ये स्टेटमेंट में मुझे दिया हुआ है. ओके तो अब इसमें मेरे दिमाग में यही आ रहा है स्क्वायर है ना अगर मैं इंटू वन करके करती हूँ क्योंकि मैंने आपको बोला था कि इनवर्स में आप इंटू वन करके कर लो. यहाँ स्क्वायर है अगर मैं डायरेक्टली इंटू वन करके करूँ तो मुझे प्रॉब्लम आ सकती है मतलब चेन रूल लगेगी डेरिवेटिव की. तो बेटर है मैं सोच रही हूँ
कि मैं साइन इनवर्स एक्स को थीटा ले, ओके, उसका बेनिफिट क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा और डी एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा डी थीटा, उसका बेनिफिट क्या हुआ, आई मेरे पास जो है दैट इज क्या हुआ, थीटा स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, ओके okay? अब अपने आप बाय पार्ट्स लग रहा है ना, आई लेट के हिसाब से एन ए टी ई, मेरे पास ये टी, ये अलजेब्रिक, तो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, ओके, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटेग्रल ऑफ कॉस का इंटेग्रल, मेरे पास जो है साइन एक्स हुआ, तो मैंने साइन थीटा माइनस इंटेग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड, ओके जी, अब थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस टू, फिर यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दे दोबारा, जिसको हम बाय पार्ट्स करते, फिर वो फर्स्ट एज इट इज फर्स्ट इनटू सेकंड, ठीक है, तो थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस टू फर्स्ट एज इट इज इंटेग्रल ऑफ सेकंड, जो है मेरे पास क्या आएगा, साइन का इंटेग्रल कॉस माइनस इंटेग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन, और यहाँ कॉस थीटा डी थीटा, अब दोबारा यहाँ इसका इंटेग्रल कर देंगे साइन थीटा, काम खत्म, और थीटा को एंड में किससे रिप्लेस करेंगे, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, यहाँ पर थीटा साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर साइन थीटा की जगह एक्स में, ठीक है, फिर यहाँ पर भी ऐसे ही सारा रिप्लेस करेंगे और मिनिमाइज करेंगे फंक्शन को जितना कर सकते। अब ऑब्वियस है बेटा, ये देखो, अगर आपके पास यहाँ कॉस थीटा है, ठीक है, आप थीटा की जगह पे साइन इनवर्स आप चाहते हो ये रिड्यूस हो जाए, तो रिड्यूस के लिए मैं कॉस थीटा को साइन जो है 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट कर सकती हूँ, ताकि मेरी कैलकुलेशन उतनी मिनिमाइज हो जाए और वो रिप्लेस हो जाए, मिनिमाइज करना आप पे डिपेंड है, नहीं भी करते तो मार्किंग स्कीम पे डिपेंड करते हैं, आप वहां पर भी क्वेश्चन छोड़ सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, बट ट्राई टू मिनिमाइज योर आंसर, ठीक है बेटा जी, क्लियर। अब देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में आया हुआ है ये बोर्ड में, अब जरा इसको ध्यान से देखना, अब देखिए इसमें क्या है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर जो है 11th मेरे पास जो है, इंटेग्रल एक्स कॉस इनवर्स एक्स ओवर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी, बहुत तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, आप सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो, आप डायरेक्टली बाय पार्ट्स भी लगा सकते हो, डायरेक्टली बाय पार्ट भी लगा सकते हो, वो कैसे है ना, सब्स्टिट्यूशन बाद में बताती हूँ, पहले डायरेक्ट वाला बताऊंगी, मैंने ऐसे देखना है कि एक फंक्शन और साथ में उसका डेरिवेटिव पड़ा है, एक फंक्शन साथ में उसका डेरिवेटिव, अगर मैं फंक्शन देखूं कॉस इनवर्स एक्स, यानी इसमें आई लेट्स का कोई रोल नहीं चलेगा, मैंने ये देखना है मैं किसकी इंटेग्रल कर सकती हूँ, अब मैं किसका इंटेग्रल कर सकती हूँ, देखो अगर मैं एक्स को सेपरेट ले लूं, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स और अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर को मैं पूरा फंक्शन एक मान लूं, जिसका मैं इंटेग्रल कर सकती हूँ, कैसे कर सकती हूँ, देखिए अगर मैंने इस चीज का इंटेग्रल देखना है, मैं इसको ऐसे सेपरेट कर दूं, फंक्शन साथ में उसका डेरिवेटिव पड़ा है, माइनस का फर्क है, माइनस से मल्टीप्लाई माइनस से डिवाइड, कोई इतना बड़ा तो नहीं प्रॉब्लम है, तो मैंने क्या किया, इसका आंसर क्या होता है, अगर फंक्शन साथ में उसका डेरिवेटिव है, पावर एक इंक्रीज हो जाती है ओवर द सेम पावर, मैं कॉस इनवर्स एक्स की पावर टू बाय टू मैं ऐसे कर सकती हूँ, अब यही चीज मैं यहाँ पर अप्लाई करके आपको बताती हूँ कि मैं कैसे सोच रही हूँ, कि उस पूरे दो फंक्शंस को कंबाइन कर लेना है जिसका इंटेग्रल आप इकट्ठे सॉल्व कर सकते, बहुत बार ऐसे एडजस्टमेंट हो जाता है,
तो मैंने क्या किया, मैंने इसको फर्स्ट ले लिया क्योंकि इंटेग्रल आता है इसका, क्योंकि देखा जाए तो तीन फंक्शन है। अच्छा कई बच्चे क्या करते हैं, एक्स ओवर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर को कंबाइन कर देते, माइनस टू से मल्टीप्लाई, माइनस टू से डिवाइड, फंक्शन उसका डेरिवेटिव ऊपर, या फंक्शन अंडर रूट है तो फंक्शन साथ में डेरिवेटिव, पावर एक इंक्रीज, ये हमने देखना। अब क्या पता इस सब्स्टिट्यूशन से आगे कहीं अड़ जाए, वो देखना ही पड़ता है, आगे कहीं जाके इंटीग्रेशन अड़ गई तो हम ऐसे नहीं कर सकते, हमें करने के बाद ही पता चलता, वो बाय प्रैक्टिस जब हम बहुत बार कर लेते हैं तो हमें याद हो जाता है और कुछ नहीं। ठीक है, अगर मैंने ये बच्चों की तरह सोचा कि हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं, तो लेट अस सी। तो मेरे पास जो है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, अब इसका इंटीग्रल आप पहले ही नेगेटिव एडजस्ट कर लो, नेगेटिव नेगेटिव, मैंने नेगेटिव बाहर लगा दिया, यानी मैंने सीधा जो है देखा जाए तो अब इस नेगेटिव को मैंने नहीं देखना, मैंने इंटेग्रल देखा जाए तो इसका ही निकाला इसका, क्योंकि मैंने नेगेटिव बाहर ही पहले लिख दी। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटेग्रल ऑफ सेकंड, अब इसका अगर मैंने इंटेग्रल किया तो सीधी वैल्यू आई कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर बाय टू माइनस इंटेग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स का डेरिवेटिव वन, और फिर इसका इंटेग्रल कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर बाय टू, और ये मेरे पास डीएक्स अंदर लगा। ओके, अब आपने नेगेटिव खोलना है तो खोल दीजिए, नेगेटिव इसके साथ प्लस ये टू बाहर ले लीजिए। अभी ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे किया, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर किया ना सब्स्टिट्यूशन मेथड, आप आराम से कर सकते हैं, तो आगे फिर अब कर लीजिए सब्स्टिट्यूशन से, आप इसको आई वन नेम लेके, ठीक है हम यहाँ अलग से करेंगे। देखिए आई वन इज इक्वल टू इंटेग्रल कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर डीएक्स, अब पुट मेरे पास जो है कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, तो एक्स इज इक्वल टू कॉस टी, और डीएक्स इज इक्वल टू साइन कॉस का मेरे पास हो गए डेरिवेटिव। ओके, अब हम लेंगे माइनस साइन टी डी टी। ओके दे, तो आई वन किसमें चेंज हो गया मेरे पास, टी स्क्वायर, और डीएक्स की जगह पे माइनस साइन टी डी टी लगा दीजिए बाय पार्ट्स दोबारा, और सारा आंसर यहां पुट कर दीजिए। वन मेथड इज दिस, ठीक है सबको समझ आई। दूसरा मैं सीधा ही सब्स्टिट्यूशन से कर दूं, वो भी बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो लेट अस सी। अब देखिए मैं दूसरा मेथड किससे कर रही हूं, सब्स्टिट्यूशन से, जो मेरे पास स्टेटमेंट है। मैं क्या करती हूँ, कॉज इनवर्स नजर आ रहा है मुझे, कॉज इनवर्स को थीटा ले लूं। ठीक है, कॉज इनवर्स एक्स का आपकी मर्जी, कॉज इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लेके करना है, या एक्स को कॉस थीटा लेके डी एक्स को मेरे पास जो है माइनस साइन थीटा डी थीटा, ऐसे एडजस्ट कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई इज इक्वल टू इंटेग्रल मेरे पास है एक्स की वैल्यू कॉस थीटा, ठीक है कॉस इनवर्स की जगह थीटा, ओवर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और वो साइन थीटा डी थीटा। अब इसका क्या बन गया मेरे पास, जो है आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई मैं आपको बार बार कह रही हूं कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं चलता है, आप जैसे मर्जी चेंज कर लीजिए। अच्छा अब मैंने डी थीटा की वैल्यू यहां पर माइनस साइन थीटा, ये और ये कैंसल, इंटेग्रल माइनस कॉस थीटा इंटू थीटा डी थीटा लगा दीजिए बाय पार्ट्स। ओके, जैसे आपको इजी लगता है उस टाइम माइंड में क्या आता है हम उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं, कोई ऐसे फिक्सेशन नहीं है कि ऐसे ही करना। बात समझ आई सबको बेटा, क्लियर। ऐसे ही हमारे पास जो है 12th क्वेश्चन है वेरी इजी। अब 13th क्वेश्चन मैं आपको करवाने लगी हूँ जिसमें अकेला इनवर्स है, अकेला इनवर्स, ठीक है क्वेश्चन नंबर जो है
13th मेरे पास tan inverse x, मैंने आगे भी बताया था अकेला log आए, अकेला inverse function आए, into one करके आपने करना है, into one करोगे तो वो algebraic, ये inverse first second by parts लगा लो, काम खत्म। ओके बेटा जी, क्लियर, समझ आई? अब मैंने जो e पावर x का फॉर्मूला आपको बताया था, लेट अस डू द एग्जांपल 22। ओके, एग्जांपल 22, एग्जांपल 22 में देखिए मेरे पास क्या है। एग्जांपल 22 में आई एम हैविंग वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ई पावर एक्स इंटू टैन इनवर्स एक्स प्लस वन ओवर वन प्लस। एक मेथड तो ये, आप ओपन कर लो और बाय पार्ट्स लगा लो फर्स्ट वाले में, दूसरे वाला अपने आप कट हो जाएगा। वन मेथड इज दिस कि यू जस्ट ओपन और पहले वाले में बाय पार्ट्स लगा लो, इसको मत छेड़ो, कटिंग हो जाएगी, आराम से आंसर आएगा। दूसरा मेथड, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ जो मैंने अभी बताया। जैसे ही मैं ई पावर एक्स के साथ दो टर्म्स प्लस या माइनस में देखती हूँ ना, मेरे माइंड में हमेशा यही फॉर्मूला होता है, ई पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। देखो ये इस फॉर्म में है, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैंने सीधा, मुझे पता है इसका आंसर ई पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी होता है, तो आई विल राइट ई पावर एक्स, सॉरी इंटेग्रल साइन नहीं डालना, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, दिस इज माई आंसर। यहाँ कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ी, डायरेक्ट फंक्शन और उसका डेरिवेटिव पड़ा, बट कई क्वेश्चन में मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, वो क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आते हैं। इसी का सेकंड पार्ट आप देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड पार्ट, यू कैन सी एग्जांपल 22 का सेकंड पार्ट। जैसे ही मैंने ई पावर एक्स देखा ना, ऐसे सम्स बहुत बार एग्जाम में आए हुए, जैसे ही मैंने e पावर x डी x ऐसे देखा, तो मेरे दिमाग में वही स्ट्राइक करता है कि मैंने एडजस्टमेंट करनी है किसी तरह से, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या सोचा, ये बाय प्रैक्टिसिंग आप लोगों को बार बार पता चलता है, मैं आपको क्लियर कट बताऊं, ठीक है। मेरे पास जो है, मैंने एक्स के, ठीक है, और क्या किया, माइनस वन ऐड किया, प्लस वन, और एक वन था वो इधर मेरे पास आ गया। ऐसा क्यों किया अभी आपको पता चलेगा। अब देखिए मेरे पास जो है एक्स प्लस वन का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू ओवर एक्स प्लस वन का स्क्वायर, साथ में ई पावर एक्स डी एक्स। आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव बना के देखो, ये बनेगा 100%। मेक द डेरिवेटिव जो है मेरे पास, उसके लिए पहले आप इसके फैक्टर्स बना लीजिए। मेरे को पता कैसे पता चला कि मैंने ऐसे करना है, क्योंकि मुझे पता है इसके आगे फैक्टर्स बन रहे और x माइनस वन और x प्लस वन बचेगा, क्योंकि प्लस वन प्लस वन, और यहां स्क्वायर था नीचे, तो मेरे माइंड में यही स्टेप था कि नीचे मैं सिंगल बनाऊं, तभी जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगी तो नीचे वाली टर्म का स्क्वायर बनेगा। उसके लिए मैंने एक्स स्क्वायर के साथ माइनस वन किया, ताकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग सके। दैट्स व्हाई आई सब्ट्रैक्ट वन एंड ऐड वन, ये मेरे माइंड में क्राइटेरिया। पहले बताती तो आपको नहीं पता चलता, अब आपको पता चल गया कि इसके फैक्टर्स बने हैं, दैट्स व्हाई आई हैव डन दिस। ओके, अब ये फंक्शन लीजिए मेरे पास जो है कटिंग करके, मेन ये वाला फंक्शन, और इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कीजिए, वो यही बनेगा। तो सीधा फॉर्मूला लगाइए, e पावर x इनटू फंक्शन, समझ आई बेटा? क्लियर टू एवरीवन जो हमने किया, बहुत इंपॉर्टेंट। इसी के साथ के बहुत सारे पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे 2x माइनस 5 ओवर 2x माइनस 3, ओके, पावर जो है मेरे पास 3,
पावर 2x dx, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, बहुत बार पेपर में आया हुआ है. ओके, आफ्टर देन मेरे पास जो है आपकी बुक का एग्जांपल, ये जो मैंने कराया ये भी बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है. ट्राई टू डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ओके, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, समझ आ गई बेटा. चलिए ऐसा क्वेश्चन एक और मैं आपको बता दूं. क्वेश्चन नंबर 20th, क्वेश्चन नंबर 18th, 17th, सब में देखो 17th, 18th, 19th, 20, सबके साथ बेटा ई पावर एक्स है और फंक्शन सिंगल नहीं है, बड़ा है, तो ऑब्वियस है क्या करोगे, ई पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का कॉन्सेप्ट लगाओगे. ओके, चलिए मैं आपको 21 एंड 22 क्वेश्चन करके दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले. 21 एंड 22 मेरे पास हो गए. क्वेश्चन नंबर जो है 21 मेरे पास जो था दैट इज इंटेग्रल ई पावर 2x साइन एक्स मेरे पास हो गए दिस. अब ऐसे क्वेश्चंस में जब ई पावर एक्स साइन एक्स या कॉस एक्स आए, अगर मैं देखूं आई लेट के हिसाब से मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल जो है वो मेरे पास क्या होती है, सेकंड होती है. बट इस केस में अगर हम उल्टा कर देना, हम क्या करें, एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट फंक्शन ले लें और ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड, तो मेरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है. ठीक है, और इसमें सब्स्टिट्यूशन भी दोबारा होती है, जरा ध्यान से देखना कैसे. अगर मैंने क्या किया, इसको फर्स्ट ओके और इसको सेकंड लिया, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये इसको आप फर्स्ट सेकंड से भी कर लोगे आंसर तब भी आ जाता है, बट इससे एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाता है और हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है. देखिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटेग्रल ऑफ सेकंड, जब मैंने साइन का इंटेग्रल किया मेरे पास माइनस कॉस एक्स आया, माइनस इंटेग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ई पावर 2x बाय 2 इंटू माइनस कॉस एक्स डीएक्स. अब देखना ये खत्म नहीं होगा, लेकिन दोबारा वहीं पे पहुंच जाएगा जहां हमने स्टेटमेंट से स्टार्ट किया. मेरे पास ई पावर 2x माइनस कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस 1 बाय 2 इंटेग्रल ई पावर 2x कॉस एक्स डीएक्स. अब बाय पार्ट्स यहां दोबारा लगाओ तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस ई पावर 2x कॉस एक्स प्लस 1 बाय 2. हाँ जी, फिर लगाए फर्स्ट एज इट इज इंटेग्रल ऑफ सेकंड जो है, ठीक है, माइनस इंटेग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. मैंने कोई गड़बड़ी कर दी यहां पर, देखना जब मैंने डेरिवेटिव लिया ई पावर 2x इंटू 2 साथ में आना था बेटा, इंटेग्रल कर रहे हैं ना तो वो फटाफट गड़बड़ी कर दी है ना. देखो यहाँ आके मुझे पता चला कि मैंने कोई, यहाँ पर देखिए अब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ओके देन मेरे पास इनटू मेरे पास हो गए इंटेग्रल ऑफ सेकंड डीएक्स. अगर मैं टू कॉमन ले लू यहां से ओके यहां से टू कॉमन, बेटा ये तो वही बन गया जहां से मैंने स्टार्ट की थी, हुआ ना. तो यानी अगले स्टेप में मैं इसकी जगह पे क्या लिख दूंगी, माइनस टू आई ओके. और जब मैं ओपन करूंगी, क्योंकि टू बाहर है ये टू, ये फोर आई और यहां पर टू ई पावर टू एक्स साइन एक्स ये चला. अब आपने क्या करना है, इधर आई चल रहा है मतलब जिस इंटेग्रल को सॉल्व कर रहे हैं, तो आई और आई कंबाइन कर देना है, ये कितना बन जाएगा 5i. और 5 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो आपके पास आई की वैल्यू आ जाए. मतलब ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे पास होते हैं. ओके बेटा, क्लियर. अब हम जो है इसी को एक आधा क्वेश्चन कल डिस्कस करके फिर वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट एक्सरसाइज. टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर बेटा.